भारत चीन सीमा विवाद में शहीद हुए अंकुश ठाकुर के घर पर जाकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पीड़ित परिवार से सांत्वना प्रकट की। इस दौरान कुलदीप राठौर ने कहा कि चीन हमेशा से ही पीठ के पीछे से वार करता आया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने चीन के खिलाफ एक्शन लेने की बात का समर्थन करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस केंद्र सरकार का सहयोग करेगी। उन्होंने मांग की है कि सरकार शहीद के परिवार का दायित्व संभाले और उचित सहायता पीड़ित परिवार की करे। परिवार को जो है इस दुख के समय में जरूरत इस बात की है कि सरकार परिवार का दायित्व संभाले और जो भी उचित जो भी राशि है वो जो है इस परिवार को जो है सरकार दे। ये मेरा सरकार से आग्रह रहेगा और मैं मुख्यमंत्री जी को इस बाबत जो है पत्र भी जो है लिखने वाला हूँ। वहीं कुलदीप राठौर ने कहा कि बहुत अफसोस है कि एक युवा देश के लिए शहीद हुआ है और पूरे परिवार को सांत्वना दी है। उन्होंने कहा कि दुख की घड़ी में पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है और राहुल गांधी ने भी पीड़ित परिवार को पत्र लिखकर सांत्वना दी है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस कमेटी के द्वारा अपने फंड से शहीद परिवार का स्मारक बनाया जाएगा। हमें बहुत ज्यादा अफसोस है कि एक नौजवान जिसने अभी जीवन में बहुत सपने देखे थे, इससे पहले कि वो सपने पूरे होते विधाता को मंजूर नहीं था, वो देश के लिए शहीद हुए। हम सब लोग शोक स्तप्त परिवार को हमने आके संतावना दी, उनके पिताजी से हम मिले और मुझे इस बात पे बहुत गर्व महसूस हुआ कि इस परिवार की जो चौथी पीढ़ी है वो फौज में रही है, सेना में रह के उन्होंने देश की सेवा की। हमने परिवार को भरोसा दिलाया है, मैंने और मेरे साथियों ने, कि हम इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। और राहुल गांधी जी का भी अभी मुझे संदेश प्राप्त हुआ जो उन्होंने पत्र जो है परिवार को लिखा है, उन्होंने भी शोक स्तब्ध परिवार के प्रति अपनी संवेदना जो है व्यक्त की है। हमने निर्णय लिया है कि हम शीघ्र ही यहाँ एक कमेटी का गठन करेंगे और जो शहीद है उस शहीद की याद में जो हम एक स्मारक यहाँ बनाएंगे, इस बात का हमने फैसला किया है और जल्दी ही मैं सभी अपने पार्टी के लोगों से बातचीत के बाद कमेटी का गठन करने वाला हूँ। कुलदीप राठौर ने कहा कि आज देश की विदेश नीति कमजोर हुई है और पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं है, जिस कारण स्थिति बिगड़ रही है। उन्होंने कहा कि आज श्रीलंका मालदीव भी भारत के साथ नहीं है और चीन के द्वारा की गई हरकत भी असहनीय है। इसके साथ ही विदेश नीति को भी मजबूत करना चाहिए और विदेश नीति को बदलकर इसका हल निकल सकता है। उन्होंने कहा कि देश के पीएम मोदी ने जरूरत से ज्यादा चीन के दौरे किए हैं और चीन ने हमेशा भारत की पीठ पर छुरा घोंपा है। चीन के साथ 62 के बाद जो है ये पहला मौका है जब चीन ने जो है हम पे पीठ के पीछे से जो है वार किया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी विदेश नीति है वो कमज़ोर हुई है। अगर आप आज देखेंगे नेपाल जिसके साथ जिस देश के साथ हमारा रोटी बेटी का नाता रहा है, वहाँ की संसद ने जो बिल पारित किया जिसमें भारत के कुछ क्षेत्र को अपने नक्शे में दिखाया, वो भी बहुत दुखद है और वहाँ भी सीमा पे जो है झड़प हुई है। उसी तरह अगर आप देखें बांग्लादेश जो 1971 में अस्तित्व में आया और श्रीमती इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था, उनके साथ भी हमारे कोई संबंध अच्छे नहीं है। आज श्रीलंका भी हमारे साथ नहीं है। उसी तरह से मालदीव एक छोटा सा देश है, टापुओं का देश है, जब वहाँ कुछ लोगों ने तख्तापलट की साजिश की तो तुरंत हमारे देश ने वहाँ फौज भेजी और विद्रोह को दबाया। आज मालदीव से भी हमारे संबंध अच्छे नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमको अपनी विदेश नीति को और ज़्यादा मजबूत करना होगा ताकि जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं वो जो है जो आज स्थिति बनी है उस स्थिति से हम बाहर निकले। और चीन पे बहुत ज़्यादा हमने विश्वास किया। आज का मौका ये कहने का नहीं है लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री बार बार जो है चीन जाते रहे, चीन के जो नेता हैं वो भारत आते रहे, लेकिन हमने जोर से ज़्यादा चीन पे विश्वास किया और आज जो विश्वासघात हुआ है मुझे लगता है कि आज ज़रूरत इस बात की है कि देश इकट्ठा होकर मजबूती से जो है चीन को जवाब दें, क्योंकि हम कमज़ोर नहीं हैं, हमारी जो फौज है उस पर हमको नाज है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज जो पूरे देश में एक शोक की लहर व्याप्त है,
कि हमारे इतने फौजी जो है वो एक धोखे से मारे गए हैं। अगर आमने सामने की लड़ाई होती तो स्थिति और होती, लेकिन धोखे से हमारे फौजियों को मारा गया। तो मेरा तो यही सरकार से निवेदन है कि इस दुख की घड़ी में इन परिवारों के लिए, क्योंकि जब मैं जो शहीद है उनके पिताजी से भी बात कर रहा था तो उन्हें हालांकि इस बात का फ़क्र भी था, दुख भी था कि मेरा बेटा शहीद हुआ है, लेकिन साथ में उनके मन में ये भावना भी थी कि हमको चीन से जो है बदला लेना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा चीन को करारा जवाब देने की चेतावनी दी है, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह कोई भी एक्शन सरकार लेती है तो कांग्रेस पार्टी इसका भरपूर समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि चीन को करारा जवाब दिया जाए। मैं चाहूंगा, हमको अपनी सेना पे नाज है और हमारी सेना मजबूत है, और प्रधानमंत्री अगर ये समझते हैं कि चीन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तो कांग्रेस पार्टी जो है सरकार के साथ खड़ी है, प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है, लेकिन एक्शन होना चाहिए ताकि जो हमारे ये शहीद हुए हैं उन परिवारों को संतावना मिले और देश जो आज शोकाकुल है एक देश में संदेश जाए और चीन फिर से हिमाकत ना करे कि हमारे पीठ के पीछे से इस तरह से वार करे।